तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम हमेशा की तरह जिम की तरह जिम के साथ। सौरभ ने आज फिर वेट कराया तो आज इसकी फिर से क्लास लगाई जाएगी। और आज है दिन 9। भाई क्यों रुको मैं? क्या हाल है भाई? तो आज है दिन पांचवा कह रहा हूँ, तेरी वजह से बोल रहा हूँ। आज है डे 9 ऑफ 75 हार्ड का। आज मैं पूरा दिन सोऊंगा, कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। देखते हैं क्या होता है आज पूरे दिन। चलो सबसे पहले मिलवा दे तुम्हें सूरज सर से। लिफ्ट भी इस जिम की लिफ्ट एक नंबर की है, कहीं पे भी रुक जाती है। कहीं पे भी हम क्यों नहीं है ऐसे? यहाँ पे कब आऊंगा मैं? जल्दी से मेरे को मैसेज ड्रॉप करो, अच्छी अच्छी लड़कियाँ, फिर तुम्हें भी ऐसी जगह देखने का मौका मिलेगा। गंदी जगह देखने का मौका मिलेगा मेरे साथ। अच्छे लोगों के साथ गंदी जगह पे जाने की बात ही अलग होती है। ए राम, क्या हाल है तेरे राम? आज करेंगे कुछ अच्छा सा चहल पहल वाला। अभी तो अंकल टाइप लग रहा हूँ, क्या हो गया भाई? थोड़े से सही लग रहे हैं। इसका क्या किया जाए? कोई नहीं, खैर चलो। हाँ भाई सौरभ, क्या हाल है? जैनविन क्या बोला तूने? जैनविन इसके हाल है। चलो हमेशा की तरह सबसे पहला काम करते हैं स्ट्रेचिंग, फिर करते हैं वार्म अप और फिर करते हैं एक्सरसाइजेस। सौरभ की स्ट्रेचिंग इम्प्रूव होती जा रही है दिन ब दिन, करके दिखा। या गुड। लिफ्ट आज 3 नंबर पे, देखते हैं नीचे जा रही है या नहीं। ये ब्लॉक वो भाई कभी रुक ना जाए हम नीचे, फिर कोई नहीं देखी जाएगी। योगा सेशन था भाई मॉर्निंग में, बहुत अच्छा गया। आज है डे 9 ऑफ 75 हर्ड का, जो कि मॉर्निंग का सेशन तो बहुत गया अच्छा। अभी देखते हैं बाहर चल के धूप है क्या है, अगर धूप नहीं हुई तो फिर कहीं चलेंगे घूमने, और अगर धूप हुई तो अगर चल सकते। अभी जो बोल रहा था कि बॉडी स्टिफ हो रखी है, ये हो रखा है, फिर जाते ही सोऊंगा, वर्कआउट नहीं हो रहा अभी घूमने। तो भाई वो मैंने वर्कआउट से पहले बोला था, फिर उसके बाद मैंने आगे योगा किया एक घंटे तक, तो सारी स्टिफनेस चली गई ना, रिलीज हो गई। गजब टू भी आ गई जीरो पे, जैसे उसका दिमाग जीरो था ऐसे लिफ्ट भी जीरो पे आ गई। खुल जाओ जल्दी से, काहे लगी डंडा कर रहे हैं भैया? वो भाई धूप है, बैड लक। चलो घर। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम सेक्सी मौसम और सेक्सी लड़कों के साथ, जो कि सेक्सी जिम में जा रहे हैं सेक्सी वर्कआउट करने के लिए। और लिफ्ट भी आज हमें यही मिल गई है, फर्स्ट फ्लोर पे, सॉरी ग्राउंड फ्लोर पे। इसी अच्छी बात तो कुछ नहीं हो सकती। ओ ऐसी है भाई, ये कहीं पे भी फिल्म कर सकती है। खोल जल्दी से, अभी चल नहीं रही भाई, फर्स्ट पे रुक गई, थर्ड पे पहुंच गई। डायरेक्ट ऊपर ना पहुंचाते बस ये। तो देखते हैं जिम में कौन कौन आया है और फिर भटकाते हैं एक अच्छा सा सेक्सी सा वर्कआउट, क्योंकि हम इवनिंग में करेंगे आज से कार्डियो, मॉर्निंग में हम करेंगे डेली स्ट्रेंथ। और हमारे सूर्य सर यहाँ बैठे हैं। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर आप? सूर्य सर इतने चीकने हो गए डेली, क्या बात है सर? बात तो सही है, और कोई फालतू बोला तो उसकी तोड़ देंगे हम नस।
क्या बात है सर, क्या बात है सर। कितना लेम जॉक था। तो वार्म अप और स्ट्रेचिंग करने के बाद अभी हम करने वाले हैं डेडलिफ्ट और पूरा बैक एक्सरसाइज। तो चलो सबसे पहले करते हैं डेडलिफ्ट, करते हैं स्टार्ट। मार्केट में नया लड़का भी आ गया है। स्टार्ट करते हैं हम इस वेट के साथ और देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। एक सेट तो हो गया मेरा डन, अभी दूसरी बारी है सौरभ की। चलो कमर सीधी, टू गुड थ्री सेट नंबर दो। बहुत दिन के बाद डेडलिफ्ट कर रहा हूँ भाई, क्योंकि तो ब्लैकआउट ना हो जाए। ज्यादा ईगो लिफ्ट नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी बैंड बज जाएगी, क्योंकि अगर स्पाइन चली गई तो कोई ठीक करने वाला नहीं है, पूरी ज़िंदगी घर पे बैठना पड़ेगा। तो इसलिए जितना उठ सकते हैं उतना ही उठाएंगे। जितना उठेगा उतना ही करेंगे। हाँ जब नेक्स्ट टाइम डेडलिफ्ट करेंगे तो सुपर हैवी। चलो डेडलिफ्ट के बाद सेकंड एक्सरसाइज। चल वन चल टू थ्री पूरा का मुंह दिखा बारह चले देख ये छोटा सा वेट क्या ये थोड़ा सा वेट और चलो भाई फर्स्ट सेट है ना इसलिए इतना वेट है। एक्सरसाइज नंबर टू हाई रो एक्सटेंशन, अल्टरनेटिव नहीं करेंगे दोनों साथ करते हैं। चलो हाथ कैसे हो गए? चल डेडलिफ्ट हो गए ना ये। हाँ बहुत दिन के बाद करिए ना इसलिए कपड़े भी इतने गंदे से पहन कर आने पड़े, घर जाके सबसे पहले कपड़े धोने हैं। लास्ट सेट है। पहले किया था इनर ग्रिप से, अब करेंगे आउटर ग्रिप से। चलो हो गए, इसके भी चार सेट्स, चारों में एंड तक फेलियर रिप्स। चल तो 800 लगा दोगे, 800 तो पावर आ जाओगे। एक्सरसाइज नंबर थ्री सीटेड रो। चल भाई नीचे करो इसको, इसके करते हैं चार सेट्स। ये फर्स्ट सेट और इस पे करेंगे हम लेमन दबा दो इसके लिए। ले वो अलग बढ़ना।
So this is the last set of this exercise. So let's do this now. For our last set. चल भाई ये प्रॉपर गुड स्ट्रेट यार 3 4 5 काट दी हमारी वा वीडियो ये देखो भाई कीर्ति मैडम की नई स्कूटी खड़ी है। कीर्ति मैडम पार्टी तो मार गई मैम, आई गलत बात है आपकी। ये रही कीर्ति मैडम की स्कूटी। ये आपकी स्कूटी ये तो बाइक वाला है। इलेक्ट्रिक क्या इलेक्ट्रिक। फिर मैडम पार्टी बहुत सारे। चलो तो चलो भाई 5 मिनट की रेस्ट के बाद अभी रहती है 2 एक्सरसाइज। पहली है बेंट ओवर रोज और दूसरी है इंक्लाइन बेंच रोज। सबसे पहले लगाते हैं इंक्लाइन बेंच रोज जो मेरी फेवरेट है। चलो चलो मॉर्निंग में सही है यार, सारे सब कुछ फ्री मिलता है। कैसे एक्सरसाइज करो, कैसे कोई भी डंबल कोई भी मशीन कैसे भी यूज करो। इवनिंग में है जो बंदा बंदे के ऊपर कुछ नहीं मिलता। खैर मजा आ गया, फट भी गई आसो भाई, पूरी एनर्जी डाउन, भूख भी लग गई बहुत तगड़ी। अभी करते हैं स्ट्रेचिंग, आज से यही रूटीन स्टार्ट। मॉर्निंग में करेंगे हम हमेशा स्ट्रेच, मॉर्निंग में हम हमेशा करेंगे स्ट्रेंथ, इवनिंग में कार्डियो। आज तो नितिन सर आपको क्या चीज कर लेते हैं फिर, नया लोवर ला होगा मेरे लिए भाई। क्या हाल है इसके साथ ज्यादा मत रहा कर भाई, इसके साथ ज्यादा मत रहा कर भाई। क्या हो रहा है भाई? अभी देखी मैंने वीडियो। कौन सी? जब तू रात को नंगा नाच कर रहा था कहाँ पे? कुत्ते के साथ, उसको बियर पिलाने के बहाने घंटे के ला दिया। क्या चाहिए क्या तुझे? अब कुछ डालने के लिए दो ना इसमें। डाल दू तेरे पानी दू। ये क्या है? ये प्री वर्कआउट है। ये तो गंद नहीं चाहिए। और क्या चाहिए? वो रखा था यहाँ पे पीनट बटर का डब्बा, वो कहाँ गया? तू मैसेज ये टोन था कुछ ना है खा के भाई। लपेट दिया तुरंत, लपेट दा अरे। एक तो मैं सर का गया था जिम वाला, उसका देख के तो मैं सूटता चलो अभी ऐसे पानी पी लेते हैं और चलते हैं घर। बस था डे 10 ऑफ 75 आवर्स जो कि बहुत अच्छे से गया। एक नंबर बैक मारी, मतलब एक नंबर बैक एक्सरसाइज की हमारी क्या होता है गवारू। एक नंबर बैक एक्सरसाइज की, मजा आ गया। और एक फोर्थ फ्लोर पे चली गई भाई, जा गए यार काम करना, राइट लेनी है। 6-7 बजे आए हैं, शाम से आएंगे शाम को ना। मौसम तो ठंडा है लेकिन धूप निकली हुई है, हवा ठंडी है धूप गर्म है, क्या ही मौसम है, क्या कॉम्बिनेशन है। थोड़ी देर में हो जाएगी हवा भी गर्म। हाँ यार फिर मजा नहीं आएगा, भाई की गाड़ी रुक गई है। चलो चलो कहाँ है स्कूटी? ये रही, चाबी दो ना। और अंकल जी हरियाणा में सबके पास एक ही जवाब होता है, बढ़िया। मतलब सवाल भी एक होता है और जवाब भी एक होता है। सवाल तो ये होता है कि और भाई, और जवाब भी होता है बढ़िया भाई। कैसा लगा मेरा मजाक? चलो भाई घर चलते और सोते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग को करते हैं यही कदम, तब तक के लिए बाय एंड डू सब्सक्राइब और फॉलो भी कर दिया करो साड़ो। चलो बाय बाय।